Gentlemen, from this beautiful beach in Phuket, you're watching Miss Veet Pakistan 2017. आप लोग जानते हैं कि जैसे-जैसे हमारी एपिसोड्स आगे बढ़ रही हैं, हमारा कंपटीशन और हमारे चैलेंजेस ज्यादा से ज्यादा टफ होते चले जा रहे हैं. मैं अपनी कंटेस्टेंट्स को वेलकम कहना चाहूंगा आज के एपिसोड में. हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? इतनी मरी हुई एनर्जी, बहुत अफसोस की बात है क्योंकि एमन के जाने से सारी कंटेस्टेंट्स बहुत डर गई हैं. सबको डर लग रहा है कि कहीं वो तो आज एलिमिनेट नहीं हो जाएंगी. लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ऊपर रखिए और अपने अंदर से डर खत्म कर दीजिए, मार दीजिए. राइट? यस, दिस इज द एनर्जी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. आज क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बताता चलूं. सबसे पहले जो कंटेस्टेंट जीतेगी मिस वीट पाकिस्तान 2017, उसको मिलेगा 1 million rupees का वीट एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट और 2 रिटर्न एयर टिकट्स बाय थाई एयरवेज टू थाईलैंड. हमारे साथ आज एक बहुत ही शानदार सेलिब्रिटी मेंटोर है, मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं. उनकी मैं आपको एक मिसाल देता चलूं कि शी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस. लेडीज प्लीज वेलकम द मूवी स्टार, द वेरी वेरी एग्जॉटिक लुकिंग एली जाफरी रहमान. एली जाफरी न सिर्फ एक सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस है बल्कि एक बहुत इंटेलिजेंट इंडिविजुअल भी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से पहले एनी ने मार्केटिंग में बैचलर्स कंप्लीट किया और कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयड रही और उन्होंने असीर जादी जैसे ड्रामास में अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई और आज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टार मानी जाती है. अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसी हैं? एनी, आई वेलकम यू टू मिस वीट पाकिस्तान. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई हैवंट बीन टू फुकेट इन सो लॉन्ग. इट्स ब्यूटीफुल, यू गाइस ऑल लुक फैबुलस एंड या आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड टू बी हियर. जबरदस्त. आज आपका जो चैलेंज है उसका मैं सिर्फ आपको छोटा सा हिंट दूंगा. आज जो आपका चैलेंज है उसका नाम है फेयर ऑफ द अननोन. इसके अंदर एनी आपको मेंटोर करेंगी कि किस तरह अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और किस तरह फेयर की आंखों में आके डाल के उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना है. सो एनी, आई एम हैंडिंग ओवर माय कंटेस्टेंट्स टू यू. गुड लक एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम एनी वंस अगेन. ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टुडे इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना और उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना, नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना. देखो, हम सब इंसान हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है और ना हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत है. हमें ऐसे बनाया ही नहीं गया है. सो अगर आप लोग पॉजिटिव सोचें, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहले आइडेंटिफाई करें और फिर उन पर मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये फियर्स आपका दिमाग खुद आपके अंदर डालता है. सो यू हैव ऑल द पावर टू कम बैट दीज काइंड ऑफ फियर्स. यू आर इन चार्ज ऑफ दैट फियर एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर. द नेक्स्ट स्टेप इज think about what is the worst that can happen. For example, for me, with auditioning, what's the worst that can happen? ये हो सकता है कि मैं जाऊँगी, audition दूँगी और वो मुझे कमी से निकाल देंगे. ठीक है, that's the worst that can happen. Step 4 is what's the best that can happen. So then I think about कि सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. अगर मैं जाऊँ उस audition कमरे में, what's the best that can happen? वो मुझे role मिल जाएगा, मुझे काम करने को मिलेगा, जो वो मेरा dream role है या जो project है, I can be part of that. So फिर आप weigh करते हैं कि worst that can happen and best that can happen. Usually the best that can happen always wins, right? Yeah. So once you do that, the last step is called positive visualization. इसका मतलब है आप अपने दिमाग में positive नज़रिया रखें. Think of the positive outcome. अगर आप अपने फियर को टैकल करेंगे और आप
ओवरकम कर लेंगे तो जो सक्सेस आपको मिलेगी उसकी एक तस्वीर बनाएं, बहुत क्लियर तस्वीर बनाएं कि मैं ये काम करूंगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी और फिर क्या होगा, और वो विजुलाइज करें अपने दिमाग में और उससे स्ट्रेंथ लें. ओके, आई हैव अ मिनी एक्सरसाइज व्हिच आई डू व्हिच हैज टू डू विद योर बॉडी लैंग्वेज. कैन वी ऑल स्प्रेड आउट, ऐसे सेमी सर्कल बना लेते हैं. ओके, सो अभी पहले तो सब बहुत कॉन्फिडेंट, जो आपका सबसे कॉन्फिडेंट पोज है वो क्या होगा, और एग्जैजरेटेड कर दें, एग्जैजरेटेड बिल्कुल ही अपनी शक्ल ऊपर की तरफ करें, शोल्डर्स पीछे रखें जैसे आप बहुत के लोगों ने किया हुआ है, यू नो टांगे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कर, यू नो कीप योर स्टैचर कॉन्फिडेंट, बड़े हो जाएं, अपने आप से 3 दफ़ा ज़्यादा बड़े हो जाएं, और अब ज़ोर ज़ोर से ऊपर देखते हुए कहें, ये 3 चीज़ें कहेंगे ज़ोर ज़ोर से, मैं बेबस हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे करके, मैं बेबस हूँ, मैं डरपोक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. सो इज़न्ट दैट वियर्ड, हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट थी और हम बिल्कुल चीते की तरह खड़े हुए थे लेकिन हम कुछ और बोल रहे हैं, तो आपको कनेक्शन नहीं आ रहा था ना, अजीब सा लग रहा था, हमें हंसी आ रही थी, करेक्ट. अब नाउ लेट्स डू द ऑपोजिट, अब बिल्कुल ही समेट ले अपने आप को, बिल्कुल ही छोटे हो जाएं, बिल्कुल ही चिपक जाएं ना, अपने आप के अंदर घुस जाएं, छोटे बन जाएं, बिल्कुल डरपोक जैसे एक बॉडी लैंग्वेज होती है. अब हम बोलेंगे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ आता है. रेडी, 1 2 3. मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. नहीं ना, इट डजंट वर्क, है ना. सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज इज, द वे यू ड्रेस, ऑल ऑफ दैट, जो आप लोगों ने पहले भी बात की थी, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू इवन फेक कॉन्फिडेंस, टू कम अक्रॉस एज कॉन्फिडेंट ऑन इन योर एक्सटीरियर एंड देन योर इंटीरियर. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंटरनल कॉन्फिडेंस, बट योर एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक सेइंग है इंग्लिश में, फेक इट टिल यू मेक इट. अगर आपको नहीं भी आता या आपको डर इतना नहीं लगता है, फेक भी कर सकते हैं आप लोग, अंटिल यू मेक इट. ओके, सो गाइज, आई होप यू हैड फन. Yeah, it was amazing. Really? Yeah. I'm so happy. Thank you so much. And I hope ke ye session aapko empower karega abhi jo aap challenge mein jayenge. Okay. Thank you. Thank you, Annie. Thank you so much. Okay, thanks guys. Bye. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस वीट पाकिस्तान 2017, और आज आप जानते हैं हम करने वाले हैं अपने इस सीजन का तीसरा चैलेंज. सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम माय ब्यूटीफुल जजेस. हेलो जजेस, हाउ आर यू? हेलो. वाओ, द वेरी स्टाइलाइज्ड हरीम फारूक, द फियरलेस एनी जाफरी, द वेरी चार्मिंग मिस्टर दान सिद्दीकी, एंड मिस एक्सोटिका आमिना शेख. बीच में आके सबका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी कंटेस्टेंट्स का मूड बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि आज का जो चैलेंज है उसका नाम क्या है? फियर ऑफ द अननोन. एग्जैक्टली, होगा क्या, इस डिब्बे में होगा एक जानवर. आपका चैलेंज क्या है कि आपने दोनों हाथ यहाँ से अंदर डालने हैं, पूरे 1 मिनट तक अपना हाथ इस डिब्बे के अंदर रखना है, उस जानवर को महसूस करना है 1 मिनट तक, और फिर बताना है कि वो जानवर कौन था. लेकिन टास्क जानवर का नाम बताने में नहीं है, कितना कॉन्फिडेंटली आप ये पूरा टास्क करते हैं, कितना फेयरलेसली ये टास्क करते हैं, वो चैलेंज है. राइट, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. हाँ, एक बार बताते चलूँ, जितने भी जानवर हैं उनका जहर निकला हुआ है, दे आर नॉट डेंजरस, लेकिन वो काट सकते हैं, और आपने तो सुना होगा सांप का काटा तो पानी भी नहीं मांगता. तो एनीथिंग कैन हैपन विद यू गाइस, राइट. तो चलिए अपना आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं. सो जजेस, आर यू रेडी? ओह, वी आर सो रेडी. आर यू रेडी? आई एम एब्सोल्युटली रेडी, वेरी एक्साइटेड. चलिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, एक मिनट, असफर. यस. आप ये शो कब से कर रहे हैं? सालों से कर रहे हैं ना? मैं ये शो कर रहा हूँ तकरीबन 3 साल से. 3 साल से कर रहे हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, है ना? सबसे बहादुर तो इनको होना चाहिए. सो व्हाई डोंट वी आस्क हिम टू डू द चैलेंज? व्हाट डू यू थिंक? यस, कम ऑन. नो, वेट अ मिनट. कम ऑन, अस्पर. यार, सबसे पहले मुझे मार दो. yes. ये बात है, राइट? ऑलराइट, लेकिन मैं पूरे 1 मिनट तक नहीं रखूंगा. अच्छा चलो ठीक है, आई विल स्टार्ट.
All right, one. Give me a counter. One, two, three. Asfar, we can see what's inside. Ow! Oh, man. Oh, it bit me really hard. Can I get first aid, please? Oh, gosh. I'm so sorry. It's really hard. No, that's all right. Ow. मैंने आपको पहले भी कहा था ये, you know this one is a dangerous one. इसको तो ना डालें यार. Are you okay? I'm fine, but it bit really hard. You go and get your band-aid, and we will start the challenge. Are you guys feeling confident? Yeah. हमारे साथ मौजूद है हमारी पहली contestant मिसबा बलोच, जो के बिल्कुल तैयार है ये चैलेंज स्टार्ट करने के लिए, जिसका नाम है फियर ऑफ द अननोन. मिसबा, प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए. आपको एक मिनट तक अपने दोनों हाथ इस बॉक्स में रखने हैं. आपको अंदर जो जानवर है उसको महसूस करना है और फिर आपको बताना है कि वो जानवर कौन सा था. लेकिन बीच में अगर आपने अपना हाथ बाहर निकाली और आप डर गई तो आपकी नेगेटिव मार्किंग वहां हो जाएगी. राइट, आर यू रेडी? प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. यू जस्ट हैव 1 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ज्यादा जोर से मत दबाइएगा क्योंकि जानवर आपको अटैक कर सकता है. देखा, ज्यादा जोर से हाथ मत लगाइएगा क्योंकि इनको गुस्सा आ सकता है. और आपके 32 सेकंड जा चुके हैं. आप बहुत डर रही है. ओके. वाओ, यू जस्ट हैव 10 सेकंड्स लेफ्ट. इस बार 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and your time's up. I love animals. Fantastic, you love animals. बताइए अंदर कौन सा जानवर था? कुछ गिरगिट लिजर्ड टाइप कुछ था. गिरगिट लिजर्ड टाइप. आपने उसका साइज नोटिस किया था? काफी बड़ा था. इतना तो होगा. कौन सा गिरगिट और लिजर्ड इतना बड़ा होता है? कुछ कुछ होता है. मिस बात तुम नहीं समझोगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. किसी जानवर को बगैर देखे हाथ लगाना है और कुछ भी हो सकता है. तो उसमें थोड़ा सा हम लोग डरे हुए थे, मगर इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंट थी मैं, काफी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मैं करूंगी. और वैसे भी मुझे जानवर बहुत पसंद है. हमारे साथ मौजूद है निमरा. निमरा का ताल्लुक इस्लामाबाद से है. दुआ पढ़ो. निम्रा, आप जानती हैं कि आपके जज मिस्टर अदनान सिद्दीकी ने ये दुआ क्यों पढ़ी थी? क्योंकि इस वक्त इस डिब्बे में इस पूरे चैलेंज का डेडलीएस्ट एनिमल है. राइट, आपके पास पूरा एक मिनट है. ठीक है, आई सजेस्ट डोंट डू इट. आपको डर तो नहीं लग रहा? निम्रा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नीचे हाथ थोड़ा आगे मेरी तरफ. दिस इज इट. और उस तरफ. गुड जॉब. 30 सेकंड्स का वक्त गुजर चुका है. आपके ख्याल से कौन सा जानवर है अंदर? कुछ स्लिपरी सा है. ये पानी में होता होगा. स्लिपरी सा है, पानी में होता होगा, लेकिन कौन सा? अभी आपने गेस किया था ना, स्नेक ही है. इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेट मी जस्ट से दैट. 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप. जबरदस्त निमरा की स्माइल पूरे चैलेंज में नहीं गई थी. हैट्स ऑफ निमरा, कांग्रेचुलेशंस. जब मेरी टर्न आई तो मैं भी ब्लाइंडली गई. मुझे अरीम ने कहा कि निमरा सोच लें, जान से बेहतर कुछ नहीं है, आप मत हाथ डालें. मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी. उन्होंने मुझसे मेरे साथ आके दुआ भी की और मजा आ रहा था. हमारे साथ है हमारी कंटेस्टेंट इस्मा. मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से इनको डर खाए जा रहा है कि इस डिब्बे में वो कौन सी चीज है जो इनका शायद हाथ खा जाएगी. लेकिन आपको पता है यहाँ पे आपको अपने फियर को काउंटर करना है. राइट, एंड इस्मा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इस्मा, आपने अगर हाथ दोबारा बाहर निकाला तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी. गो अहेड. आपको अब कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा करना है.
आपको बहुत कंफर्टेबल दिखना है. Yeah, I am. No, you're not. Is it a rabbit? 25 second जा चुके हैं. You're not even holding it. Is it a mouse or something? I think just focus on feeling it. 6, 5, 4, 3. Why do you think you're attacking? 1, your time's up. Very nice, Asma. Thank you. मैंने जब हाथ डाला तो हरीन बहुत बुरे बुरे से फेसेस बना रही थी, बहुत स्केरी फेसेस बन रहे थे उनके. और मैंने टच किया तो बहुत ही मजे की फ्लफी चीज थी. मुझे रियलाइज हो गया कि वो रैबिट है, क्योंकि वो रैबिट मुझे बहुत पसंद है. कोमल, आपके पास अगर दो चांसेस हो, या तो ये चैलेंज करने का या इस कॉम्पिटिशन से अपने आप को दस्तबरदार करने का, विथड्रॉ करने का, आप दोनों में से क्या चूज करेंगी? चैलेंज करने का. फैंटास्टिक, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. एंड कोमल, यू जस्ट हैव 1 minute for this challenge and your time starts now. और अगर आपने अपना हाथ बाहर निकाला तो negative marking होगी. कोमल नहीं करो. कोमल be very careful. कोमल be careful. दूसरा हाथ आपका दूसरा हाथ बिल्कुल काम में नहीं आ रहा. कोमल कोमल move your hand around. नीचे नीचे. कोमल 30 second का वक्त गुजार चुका है. दूसरा हाथ slimy soft. It's slimy, it's soft. Yes. Then what is it? Any guesses? A snake? Or no, snake nahi hai. It's something else. 5, 4, 3, 2, 1, and your time's up. How does it feel, Komal? It feels good. हमारे साथ मौजूद है फाकिया. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्लेजेंट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फाकिया ध्यान से. फाकिया 10 सेकंड जा चुके हैं. फाकिया फील अराउंड, मूव अराउंड द बॉक्स. अपना हाथ तो घुमाइए, आपके हाथ कांप रहे हैं. देखा देखा, मैंने कहा था फिक्र मत करें, ये जहरीला जानवर नहीं है, इसका जहर निकला हुआ है. डोंट वरी, आपने 4 दफा अपना हाथ बाहर निकाला है. Oh my God, Fakia, what are you doing? आपने 40 सेकंड जाया कर दिए. Fakia, बार बार अपना हाथ निकाल रही है बाहर. आपने 1 मिनट तक हाथ अंदर रखना, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त बचा है. 5, 4, 3, 2, 1, and your time's up. I need to wash. You need to wash your hands. मुझे पता है. What's your guess? आपका guess क्या है? Maybe a dog or a kettle. का मतलब होता है भैंस और गाय. और भैंस और गाय इस डब्बे में नहीं आ सकते. It's not kettle. I said kitten. I wish you bring some. अच्छा. Kitten. अच्छा, she meant kitten. Yes, she did. फाकिया, आप जाओ बेबी, थोड़ा पानी शानी पियो, जूस वूस पियो, आप तो लुढ़कने वाले हो. चलो. शुरू में मैं बहुत डर गई थी. 3-4 बार मैंने डब्बे में से हाथ भी निकाला. आई वॉज शिवरिंग. एंड फाइनली फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि मैं क्या गेस कर सकती हूँ कौन सा एनिमल है. तो मैंने बोला इट्स आइदर अ पपी और अ किटन. हमारे साथ मौजूद है नाफिया. और नाफिया की मिस वीट पाकिस्तान के इस सीजन में बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. नाफिया, डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं. हो होल्ड ऑन, एक्सक्यूज मी, आगे आइए. आई नीड फर्स्ट एड बॉक्स फॉर दिस. मुझे फर्स्ट एड का बॉक्स आके दीजिए. क्योंकि ना करो यार, असफर छोड़ दो यार. आप चाहती हैं, आप इस वक्त अपने आप को इस शो से डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, या फिर आप इस जानवर को फेस करेंगी? फेस करेंगी. जबरदस्ती खुशी खुशी कट. वी हैव द फर्स्ट एड बॉक्स राइट हियर. आपके पास एक्साइटमेंट का. नहीं करो नाफिया, छोड़ दो. आपके पास पूरा 1 मिनट है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. माय, Yes, दूसरा हाथ उसकी तरफ लेके जाइए. ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कैन अटैक यू. आपके पास 30 सेकंड्स बचे हैं नाफिया. कम ऑन, बताओ क्या चीज है. समझ नहीं आ रहा मुझे, बहुत सॉफ्ट है. मुझे बताओ, जो भी समझ आ रहा है वो बताओ. कौन सा जानवर है बताइए. कुछ गेस कर लो. चूहा. कौन सा चूहा है? नहीं, चूहा नहीं है. क्रोकोडाइल. मिनी क्रोकोडाइल. मिनी होते इतना ऐसा कौन सा क्रोकोडाइल होता. फ्रॉग. आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त बचा है. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. टाइम्स अप. जबरदस्त.
ओके क्या लगता है आपको कौन सा जानवर था अंदर फ्रॉग फ्रॉग मेंढक मुझे समझ नहीं आ रहा था आई थॉट कि वो चूहा था वो दो थे मुझे लगा मे बी हो सकता है मिनी क्रोकोडाइल और लिजर्ड बाद में मैंने फील किया उसकी स्किन को फील किया और एनिमल को फील किया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं वो फ्रॉग था वो एक मेंढक था और मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बिल्कुल भी नहीं डरी और बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं तैयबा इज ऑल सेट फॉर दिस चैलेंज तैयबा एक चीज का आपको खास ख्याल ये रखना है कि आप दो बार बॉटम फोर में आ चुकी हैं आपके लिए ये चैलेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने चैलेंज सही से नहीं किया तो आप शायद आज एलिमिनेट हो जाए प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बी वेरी केयरफुल दस सेकंड का वक्त गुजर चुका है एनी गेसेस कौन सा जानवर हो सकता है अंदर रैबिट लग रहा है रैबिट देखिए रैबिट डॉग कैट मे बी डॉग कोआला बेयर सब एक जैसे होते हैं समथिंग मे बी ध्यान से दिस इज ऑल आई कैन से देखिए अगर आपका हाथ बाहर आया एक मिनट से पहले तो नेगेटिव बात होगी आई एम सॉरी आई एम सॉरी 35 सेकंड जा चुके हैं यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब आपके पास बचे हैं सिर्फ 10 सेकंड सॉफ्टी है ये तो ज्यादा सॉफ्टी है दोस्ती आपको लग रहा है हो गई आपकी इससे हाँ आपके पास सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप थैंक यू तैयबा यू डू यू वांट टू से एनीथिंग बहुत मजा है मुझे डर नहीं लगा एक छोटी सी बात ज्यादा डर क्या क्या था क्या पपी Very good. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. हमारे साथ मौजूद है मरियम शेख मरियम इस बॉक्स के अंदर आपको एक मिनट तक अपने दोनों हाथ रखने हैं ठीक है और अगर आपने बीच में डर के हाथ निकाला नेगेटिव मार्किंग वहां हो जाएगी ये जानवर गैस करने का चैलेंज नहीं है ये एक कॉन्फिडेंस का चैलेंज है और अपने फियर को फेस करने का चैलेंज है राइट तो अपना अगर मरियम गैस गैस अगर कर ली आपने अगर आप इसकी गैस निकाल दे इसमें से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप गैस कर लेती हैं तो ये एक बोनस पॉइंट होगा आपके लिए आपके पास पूरा एक मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अगर डर के हाथ आप 10 सेकंड जाया कर चुकी हैं ऑलरेडी मरियम डू इट यू कैन डू इट आई कांट डू इट यू कैन डर आउच अभी तो आपने आपने अगर हाथ बाहर निकाला आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी मैंने आज तक कभी नहीं ये काम किया 20 सेकंड जा चुके हैं आउच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इट कैन अटैक यू आउच नो और मजे की बात है आपने अभी तक उसका हाथ नहीं लगाया है ओके दोनों हाथ अंदर डालिए जस्ट रिलैक्स ओके यू नीड टू रिलैक्स 35 सेकंड्स आर गॉन मरियम यू नीड टू रिलैक्स बी कॉन्फिडेंट फेस योर फियर्स ओके ओके 45 seconds जा चुके हैं या आई मरियम जस्ट ब्रीथ डीपली सांस ले हां या काम योरसेल्फ काम हो जाए आई डोंट नो व्हाट आराम से 5, 4, 3, 2, 1 एंड मरियम योर टाइम्स अप मरियम क्या किया ये मरियम आई नेवर टच एनी एनिमल इन माय होल लाइफ दैट्स अ चैलेंज या आई टच फेसिंग योर फियर्स अपने डर को तो कभी किसी ने जिंदगी में नहीं हाथ लगाया होता यही चैलेंज था यही मेंटोरिंग एनी जाफरी कर रही थी आपके साथ थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू आई होप यू सर्वाइव इन दिस शो थैंक यू वेरी मच जब मेरे पास ये चांस आया तो मेरी तो वैसे ही नहीं हिम्मत थी जबकि मुझे ये शो किया गया था कि अंदर बहुत खतरनाक सी चीज होगी उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप गेस करें मैं उसको हाथ लगाना नहीं चाह रही थी तो मैं गेस क्या कर पाती अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डर लग रहा है कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है Yeah, of course, but I'm excited. Pata nahi. You're excited? Yeah. And you just have 1 minute for this challenge. And your time starts now. Oh, baby. Baby, wow. Aapke khayal se kya ho sakta hai? This is something very soft. Something very soft. Baby. Like a baby. कौन सा बेबी इतना छोटा होता है 30 सेकंड्स का वक्त जा चुका है हिरा बेटा ये जितना फरी होता है ना उतनी जोर का काटता भी है तो जरा ध्यान से आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त बचा है हिरा गो अराउंड द एजेस 7 6 ओके ओके फाउंड इट 5 4 3 2
1 and your time's up. I tried my best. There was this chota sa hamster jo ke bahut hi adorable sa tha. Wo mujhse chupta phir raha tha. Aur jab ek bas 10 second jab haath andar kiya to main kaafi confident ho gayi ki acha sahi hai ye to mujhse hi chup raha hai. Maine isse kya darna hai. Hamare sath maujood hai Saira and Saira is all set for this challenge and your time starts now. और अगर आपने डर के हाथ बाहर निकाला तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उधर उस कोने पे जाइए। अपनी तरफ। It's a sticky side type of a thing. पकड़े, पकड़े जरा उसको पकड़े। 20 सेकंड का वक्त जा चुका है। 20 seconds are gone. Oh my God, what are you doing with the poor animal? बहुत लवली है। प्यार से हैंडल करो। It's a mouse, I think. Five. 4, 3, 2, 1 and your time's up. Chota sa tha. Chota sa to tha, lekin kya tha? I think a mouse. Like literally, uski floppy se the. You think it's a mouse? I think it's a mouse. Achha, dar laga tha ye karte hue? No, mujhe maza aa raha tha. Wo bahut floppy sa tha. Thank you very much. Bada maze ka challenge tha aur mujhe waise bhi janwaron se dar nahi lagta kisi bhi cheez se. मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ किसी चीज से तो मेरे लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी ये चैलेंज करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंजा कंजा प्लीज स्टेप फॉरवर्ड डर तो नहीं लग रहा नो नर्वसनेस है नो मुझे आप बता सकती हैं अच्छा ऊपर देखो ऊपर देखो हाँ अब इधर ही देख के बात करना है ओके जल्दी से आगे आइए जल्दी से आगे आइए अपने हाथ जैसे अंदर डालिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ओह माय गॉड सो क्यूट इट्स अ रैबिट यू थिंक इट्स अ रैबिट कीप गेसिंग It can't be a rabbit. Ab judges ko dekho. No, it's a rabbit. You think it's a rabbit? Yes. What makes you think it's a rabbit? Iske kaan aur face. Yes. Ye rabbit kahan paaye jaate hain? Wait, wait, wait. She's a cat. She's a cat. Wow. Dard to nahi lag raha? Pakki baat? Wait. Aapke paas sirf 10 second ka waqt maujood hai. She's a cat. 5, 4, 3, 2, 1, and your time's up. Thank you. What do you think it is? Cat. Billy? Yes. Zabardast. Thank you very much, Kanza. जब मैं वहाँ पर गई, मैंने जाके box के अंदर हार डाला, तो I feel so good क्योंकि मैं cats already पाल चुकी हूँ अपने घर में, तो I know कि वो कैसी होती हैं, but मैंने जो cat पाली है, she is Persian, तो उनका face इस तरह नहीं होता, तो I thought it's a rabbit. Ladies and gentlemen, our judges are deliberating the performance of our contestants right now. बहुत जबरदस्त weather है, we are at this beautiful beach in Phuket. ये जबरदस्त weather है, ये जबरदस्त weather है. उनके हाथों में मैंने अंडे बना लिए भाई जबरदस्त ऑन दिस वेरी लाइट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन वी विल बी टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक यू आर वाचिंग मिस वीट पाकिस्तान 2017 वी विल कैच यू शॉर्टली डोंट गो एनीवेयर हमारे जजेस इस वक्त फैसला करने में बहुत मसरूफ हैं। देखना यह है कि कौन सी कंटेस्टेंट्स आज वापस घर जा रही हैं। वो जो यूं ऊपर ऊपर से कर रही है, जो चीखे मार रही है। वेलकम बैक अवतीर और रात आप देख रहे हैं मिस वीट पाकिस्तान 2017 आज हमारे इस सीजन का तीसरा चैलेंज था जो कि हमारी कंटेस्टेंट्स ने बखूबी निभाया अ क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि अपने डर को फेस करना जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज होती है एनी जॉफ्री थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम हियर स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल गेस्ट एनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स हैं प्लीज उनका नाम पुकारिए और फिर हम विनर अनाउंस करेंगे टॉप 4 से वो हैं तैयबा तैयबा प्लीज स्टेप फॉरवर्ड हिरा निमरा एंड द लास्ट वन इज कांजा वाओ These are our top 4. ये top 4 contestants हैं, लेकिन इनमें से एक challenge winner है. Who is the winner of this challenge today?
आप गेस कर ले, मैं आपसे मिली थी और आपने बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन मुझे दिया था. कौन थी वो? तो यस, निम्रा इज द विनर. कांग्रेचुलेशंस निम्रा के लिए. वीट की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है. कांग्रेचुलेशंस निम्रा. एंड वेल डन ऑल ऑफ यू. प्लीज स्टेप बैक. और एनी जाफरी के लिए सेंसेशन की तरफ से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर है. एनी, थैंक यू वेरी मच. प्लीज टेक योर सीट एनी. और अब आता है शो का सबसे मुश्किल मरहला, जहां हमें अनाउंस करने होते हैं बॉटम फोर कंटेस्टेंट्स, और उसमें से एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होके वापस पाकिस्तान चली जाएगी. यानी आज हमारी टॉप 11 सिर्फ टॉप 10 रह जाएंगी. मैं बॉटम फोर का नाम अनाउंस करने वाला हूं. इस बार बॉटम फोर में द न्यू एंट्री इज इस्मा. प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. मिसबा, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. फाकेहा, फाकेहा दूसरी बार बॉटम फोर में आई हैं. एंड द लास्ट कंटेस्टेंट मरियम, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. मरियम आज तीसरी दफा बॉटम फोर में है. जजेस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल से ये लोग बॉटम फोर में क्यों हैं? आबना, जिन लोगों के बॉटम पोजीशंस रिपीट हुई थी, मैंने कहा था दे आर गॉन फॉर मी. क्योंकि अगर उन्होंने एक ही उसमें अपने आप को प्रूव करके बॉटम से नहीं बचाया तो वो सेकंड थर्ड में आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू मेक इट. मिस्टर अदनान सिद्दीकी, स्पेशली मरियम एंड फाकिया, आप लोग मालूम है बड़ा डिसअपॉइंट किया आपने, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया आप दोनों ने. I've seen you, you're very happy, smiley all the time. लेकिन मुझे लगता है आप में सिर्फ एक ही फियर है कि कोई मुझे ना पसंद ना करे. When you're in a challenge, you're supposed to face it, ठीक है? Fakeha, आप तो पता नहीं मैं what do I do? You know, you took a few deep breaths, आपने हाथ डाले और आप बस कांपने लगी. आपने आउच कोई 6 दफा कहा है, मतलब कुछ छुए बगैर, कुछ छुआ तक भी नहीं था और आप आउच 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 कर. I don't understand, वो क्या रहा था? इस्मा, आप क्या कर रही थी? आपने खरगोश गेस कर लिया था ना, रैबिट. आपने जब गेस कर लिया था फिर आप में कॉन्फिडेंस आया था. गेस करने से पहले क्या था? क्या था? मैंने अपना हाथ अंदर डाला और हरीम वाज लाइक, आपको लोग बहुत कुछ कहेंगे डराने के लिए, बहुत कुछ कहेंगे जिंदगी में भी, बहुत कुछ कहेंगे आपको पीछा करने के लिए, डराने के लिए. तो आपका इंस्टिंक्ट जो था वो बिल्कुल ये था कि ओश. आज देखते हैं क्या होता है मूविंग फॉरवर्ड विद द जजमेंट ऑफ आवर जजेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बॉटम फोर कंटेस्टेंट्स आर राइट हियर. सो the question remains, who is going home? We're taking a very short break here, ladies and gentlemen. We'll catch you in a bit. Welcome back, Khawateen Hazrat. You are watching Miss Veet Pakistan 2017. This is the toughest, the elimination round. Hamare saath maujood hai hamari bottom four contestant. Aur main bahut afsos ke saath ye batana chahunga ke Misbah and Isma, you both are in the safe zone. Please go back. Fakeha, judges ko abhi bhi aisa lagta hai ki aapko ek chance dena chahiye. You're still in the safe zone. Congratulations and Maryam, you're going home tonight. Aapka safar Miss Veet Pakistan ka bahut shandara. Can I get the name tag back, please? Thank you very much. Kuch kehna chahengi aap? Yes. Thank you, judges. मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, जैसे मैं नहीं कर पाई, I'm so sorry. आइंदा कभी आप जानवरों से डरे ना. इंशाल्लाह. That was for you. क्या करें? Maryam, you can say goodbye to your friends. You can meet them, give them a hug. Thank you very much. Khawateen aur Azad, आपके देखने का मैं स्वीट पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया. जजेस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. एनी जाफरी रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लंडन टू फुकेट फॉर अस. And adding so much of glamour and poise to the show. Thank you. Thank you. You were lovely. बहुत मजा.
Harim, Mr. Adnan Siddiqui, and Amna Sheikh, thank you so much for being so fantastic. Asper, thank you so much. I know I'm looking nice, Harim. Khawateen Hazrat, aap logon ka bahut bahut shukriya Miss Sweet Pakistan 2017 dekhne ka. Agle hafte hum phir aapke saath honge aur jaane se pehle main aapko ek bahut pate ki baat batana chahta hu aap logon ko bhi aur aap logon ko bhi ki mere haath pe chot nahi lagi thi. Wo ek chota sa mazak tha sirf aap logon ko dilane ke liye. Clap for me. Itni achhi performance aapko dekhne ko nahi milegi kahin aur. Now it's time to sign off, ladies and gentlemen. Bahut bahut shukriya Miss Sweet Pakistan 2017 dekhne ka. अगले हफ्ते हमें आपका बेचैनी से इंतजार रहेगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. गुड बाय. अगर आप अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट को शो में वापस देखना चाहते हैं तो उन्हें वोट कीजिए. हमारी वोटिंग लाइंस खुली हैं इतवार रात 12 बजे तक. अगर आप मुझे वोट करना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए वीट स्पेस मरियम शेख 8797 पे. अब देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017. कल भी मैंने तुम्हारे कपड़े साफ किए फिर मेरी बात. शट अप. एक्टिंग बेसिकली कुछ भी नहीं. फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप कोई मुकाबला करें. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. टाइम मत जाया करें अंदर किसी का. मैं स्टार हूँ. क्या स्टार है तो क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है आपने बिल्कुल गलत कहा था. बोलो तुम्हें क्या कहना है बोलो. There's no point to that performance. मैं 80 साल की हो के नहीं डरी तो जवान हो के डर है. थोड़ा और कॉन्फिडेंस ले आओ और उसके बाद आप वो क्या हो गया?